हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम अजित। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। ये वीडियो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग यार अपनी वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हैं, यार चाहते हैं कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं लाइक टेक्निकल गुरुजी, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, अमित बड़ाना, इस तरह के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, हर एक वीडियो में 15 लाख 20 लाख व्यूज़ आते हैं, ऐसे क्रिएटर से अपनी वीडियोस को किस तरीके से प्रमोट कराया जा सकता है, या फिर आपका जब भी मान लीजिए कोई नया चैनल बनाते हैं और आप वीडियोस बनाते हैं और आप चाहते हैं कि मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी जो है वो आपकी वीडियो को प्रमोट करें, तो इनडायरेक्टली आप कैसे प्रमोट करा सकते हो बिना टेक्निकल गुरुजी को अप्रोच करें, या ना बिना किसी बड़े यूट्यूबर को अप्रोच करें, आप उनकी वीडियोज़ में अपनी वीडियोज़ को कैसे प्रमोट कर सकते हो, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार। वीडियो में लाइक जो है बहुत कम आ रहे हैं, अगर लाइक वगैरह आते रहेंगे तो यार मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं डेली इस वीडियो जो है ला पाऊंगा। सो गाइस सबसे पहले तो आपको आ जाना है अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे, और ये मेरा गूगल एड्स का डैशबोर्ड खुला हुआ है। यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करा रहे हो किसी बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पे, तो सिंपली आपको क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल पर सिलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो पर जाना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको कस्टम वीडियो कैंपेन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कैंपेन नेम डालना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक काफ़ी सारा जो है फिलअप करना पड़ेगा, तो एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ही बताऊँगा। तो कैंपेन टोटल जो है वो आपको यहाँ पर ये डालना है कि आपका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, मतलब इस एड को चलाने के लिए, तो यहाँ पर आपको 400 डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एंड डेट डालनी है, कब से कब तक आपको ये ऐड चलानी है, यानी सर्व करनी है किसी बड़े यूट्यूबर के चैनल पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्हें आपको नहीं छेड़ना है, तो इसको जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने दें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको और भी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लैंग्वेज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो इंग्लिश चैनल पर चलें तो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। इसी तरीके से आपको एज ग्रुप वगैरह बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर करने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पर एज वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपको मेन चीज़ दिखाऊँ वो है प्लेसमेंट। यही वो ऑप्शन है जिससे आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के चैनल पे उसकी वीडियोस पर अपनी वीडियोस का ऐड लगाकर अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, वीडियो लाइनअप, और इसके साथ वेबसाइट, ऐप, ऐप कैटेगरी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं सर्च करता हूँ टेक्निकल गुरुजी, और जैसे मैं टेक्निकल गुरुजी सर्च करूँगा तो उसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ऐप में लगाना है टेक्निकल गुरुजी के, या फिर चैनल पर लगाना है, वेबसाइट पर लगाना है, हर चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टेक्निकल गुरुजी। अब यहाँ पर मुझे किसी और अगर चैनल को भी ऐड करना है, सिंपली मैं इसे कट करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कैरी मिनाटी, तो यहाँ पर कैरी मिनाटी का चैनल आ जाएगा और वहाँ पर भी मैं जो है टिक कर दूँगा, जिससे ये दोनों चैनल पे अब मेरी वीडियोस का जो ऐड है वो सर्व होएगा। और ये बहुत अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है, आपको पता होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप जिस भी चैनल पर लगा रहे हो आपको पता है कि उस चैनल पर किस तरीके की वीडियोज़ आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वीडियोज़ को प्रमोट करवा सकते हो। अब बात आती है बिड की, यहाँ पर आपको बिड क्या रखनी है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। नॉर्मली 30 पैसे से यहाँ पर आपकी बिड शुरू हो जाती है, बट यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 1 रुपये रख के आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं 1 रुपये बिड रखता हूँ, यानी 1 व्यूज़ का 1 रुपये रखता हूँ, तो क्या अमाउंट जो है लगेगा, कितने व्यूज़ वगैरह आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपने चैनल की एक यहाँ पर वीडियो का लिंक डालना होगा। सो अभी मैंने लिंक कॉपी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, वीडियो डिस्कवरी ऐड और स्केपेबल ऐड। तो यहाँ पर आपको वीडियो डिस्कवरी ऐड नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में वीडियो डिस्कवरी ऐड के बारे में बताया है, पर यहाँ पर आपको जो लगाना है वो स्केपेबल ऐड लगाना है, ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी, मैं कोई इंटरेस्टिंग सा ऐड देखता हूँ तो मैं उसे पूरा देखता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मेरे काम का एप्लीकेशन है या काम की वीडियो है, मैं उसको जाकर क्लिक करता हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको लगाना है। और यहाँ पर फाइनल URL, आप क्या URL देना चाहते हो, अपने चैनल का URL देना चाहते हो, अपनी वीडियो का URL देना चाहते हो, मतलब कि चलेगी तो आपकी वीडियो ही ऐड में, बट यहाँ पर URL कौन सा होगा, मतलब किस URL पर अगर कोई बंदा उस ऐड पे क्लिक करता है तो क्या खुलेगा।
तो यहाँ पर के लिए मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए अपनी वीडियो का लिंक की कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहो तो अपने चैनल का लिंक डाल सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ताकि चैनल पूरा खुले। और यहाँ पर डिस्प्ले यूआरएल भी आप डाल सकते हो, साथ में यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन है, वो कॉल टू एक्शन बटन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है कि वहाँ पर एक बटन बन के आएगा, जैसे आपने देखा होगा एड्स में बन के आता है कि डाउनलोड नाउ, या फिर इंस्टॉल नाउ, या फिर वेबसाइट है तो विजिट नाउ, इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन बटन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देख रहा हूँ कॉल टू एक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, आप अगर ऐड की तरफ देखें तो वहाँ पर सब्सक्राइब लिख गया है। तो यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब लिख दिया, वहाँ पर भी सब्सक्राइब लिख गया। जैसे उस पर कोई ऐड पर कोई सब्सक्राइब वाले बटन पर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जो है चैनल खुल के सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पर हेडलाइन पे भी मैंने जैसे सब्सक्राइब लिखा तो आप यहाँ पर देख रहे हो हेडलाइन में भी सब्सक्राइब लिख गया। बट यहाँ पर हेडलाइन में आपको सब्सक्राइब नहीं लिखना है, हेडलाइन पे आपको लिखना है जो भी आपकी वीडियो है उसका मेन टॉपिक क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, मान लीजिए मेरी वीडियो है मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, मैंने मेक मनी ऑनलाइन डाल दिया और फिर जो है ये हमारा वहाँ पर हेडिंग के लिए दिखने लगेगा। बट यहाँ पर जो है हमको सिर्फ 15 करेक्टर ही मिलते हैं तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया था। तो अभी मैं लिखता हूँ और अगर आप ऐड की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइव आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपको ऐड में भी वहाँ पर वो हेडलाइन देखने को मिलेगी। हेडलाइन आपको एक ऐसी हेडलाइन रखनी है जिससे लोग उस वीडियो को पूरा देखें या फिर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएँ। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ पर आता है बैनर, तो बैनर आप अपने थंबनेल ही लगा रहने दें, वो काफ़ी सही लगेगा क्योंकि थंबनेल में आपने अच्छी मेहनत की होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करना है और अपना कैंपेन जो है स्टार्ट कर देना है। फिर जब भी आपकी जो वीडियोस है वो आपने जो वीडियो अपलोड की हुई है, ऐड लगाया हुआ है, वो बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पर रन करने लगेगी और आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई, किस तरीके से आपको कैंपेन सेट करना है, किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है वो चैनल्स को जिन पे आपको अपनी वीडियोस को प्रमोट कराना है। और इसी तरीके से जो है आप अपनी वीडियोस को प्रमोट करा सकते हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी टॉपिक पे आपकी वीडियो है आप उसी से रिलेटेड चैनल पे अपनी वीडियोस को प्रमोट कराएं। इससे क्या होगा, आपको इंगेजमेंट अच्छी मिलेगी और क्लिक्स अच्छे मिलेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको जो है सब्सक्राइबर वगैरह भी वहाँ से अच्छे मिल जाएंगे। बट अगर ऐसा होता है, मान लीजिए आपकी फ़नी वीडियो और आप उसको टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर प्रमोट करा रहे हो, या फिर मान लीजिए आपकी टेक वीडियोज़ आप उसे अमित बनाना के चैनल पर प्रमोट करा रहे हो, तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी फ़नी वीडियोज़ हैं तो आप फ़नी चैनल पकड़िए, टेक वीडियोज़ हैं टेक चैनल पकड़िए, कुकिंग वीडियोज़ हैं कुकिंग चैनल पकड़िए। तो इस तरीके से आप जो अपनी वीडियोज़ को प्रमोट करा पाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा हमारी आने वाली नए वीडियो का।